सो दोस्त, जैसा मैंने बोला है कि आज हम लोगों को देखना है किस तरह से ये जो ब्लू प्रिंट वाला प्रिंटर है, उस प्रिंटर से आप इस्तेमाल करेंगे प्रिंटर एंड फिंगरप्रिंट डिवाइस को। ये सबसे पहले देख लेते हैं इसका सेटअप। इसका सेटअप एकदम ही इजी है। ख्याल रखना है कि आपका जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 9 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना होगा, ठीक है। नीचे या ऊपर कहीं से भी हो सकता है आपका मेन्यू। तो आपका ब्लूटूथ अब ऑन होना चाहिए, और ब्लूटूथ के अंदर जैसे आप जाएंगे दो डिवाइस आपको सर्च करने पर मिलेगा। एक इसी डिवाइस को ऑन करने पर, ये इसका साइड रॉकर में इसका ऑन करने का बटन दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे आप इसको सर्च करेंगे ब्लूटूथ में, आपको दो ब्लूटूथ डिवाइस शो हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका बीपी, ये हो गया BPFS4064, और एक हो जाएगा बीपी प्रिंटर, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पे शो होता है आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको चले जाना है एक ऐप पे। ऐप का नाम है आपका नेक्स्ट बायोमेट्रिक, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट बायोमेट्रिक ऐप आपको प्ले स्टोर में दिखने को मिल जाएगा। और जैसे आप प्ले स्टोर में जाते हैं और सर्च करते हैं नेक्स्ट बायो, NEXT नेक्स्ट बायोमेट्रिक्स, अगर जैसे सर्च करते ये वाला सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाए, ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऐप को आपको कर लेना है इंस्टॉल, और इसको इसके बाद इसको कर लेना है ओपन। जैसे आप ओपन करते हैं, ओपन में जाके कुछ सेटिंग होता है राइट साइड में, ये जो तीन बटन आप देख रहे हैं, इस तीन बटन में आप क्लिक करेंगे और सेटिंग, फिर क्लिक करेंगे सेटिंग में। ये वाला एनेबल नहीं रहेगा, ये डिजेबल रहता है, ठीक है। तो ये डिजेबल रहता है, तो आपको ना इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद जैसे इस जगह पे ब्लूटूथ डिवाइस में आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा डिवाइस आपको सीरियली दिखाएगा। नीचे देखिए लिखा आ रहा है फाउंड डिवाइस रेडमी, बहुत सारा डिवाइस यहाँ पे फाउंड हो रहे हैं जो उसके नज़दीकी है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, पहले ब्लूटूथ से आपको डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, ब्लूटूथ में जाके प्यार कर लेना है। इसके बाद आपको जो BPFS4064 दिखेगा, देखिएगा ये डिवाइस का नीचे ये सीरियल नंबर है, ठीक है। ये सीरियल नंबर आपको दिखेगा, और इसको सिलेक्ट करना है आपको BPS वाला, ब्लूटूथ वाला जो है फिंगरप्रिंट को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको फिंगरप्रिंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंट तो आपका डायरेक्ट ही निकल जाता है ब्लू प्रिंट से, तो BPFS को हम कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ से निकल जाएंगे। निकालते ही देखिए, ये निकाल के आपको कर लेना है यहाँ पे रिफ्रेश, और थोड़ा समय फिर आपको यहाँ पे देना होगा ये सारा डेटा यहाँ पे आने के लिए। देखिए ऑटोमेटिक फेच हो गया सारा डेटा, मतलब ये जो है रेडी हो गया है। ऊपर में देख सकते हैं राइडिंग स्टेटस नॉट रेडी, ये देखिए रेडी हो चुका है अभी। ओके, सारा कुछ रेडी है अभी। अब आप पूरा काम आगे आगे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और चला जाता हूँ मैं स्पाइस मनी वाला ऐप में। ये मैंने स्पाइस मनी वाला ऐप में चला आया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस इंक्वायरी करके देखेंगे किस तरह से, कितना ईजी होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चले जाते हैं AEPS बैलेंस इंक्वायरी में। तो बैलेंस इंक्वायरी में जाते ही आपको ये वाला डिवाइस दिखने को मिल जाएगा, आराटेक की ठीक ऊपर जो है नेक्स्ट बायोमेट्रिक, ठीक है। इसमें मुझे करना है सिलेक्ट, नेक्स्ट बायोमेट्रिक में मैंने सिलेक्ट कर दिया, और थोड़ा फिर वेट करना है यहाँ पे। तो ये रेडी हो चुके, और ऊपर में मुझे फिर से और एक बार इसको चेंज करना है। नीचे देख सकते हैं आप नेक्स्ट का बायोमेट्रिक है सबसे नीचे आराटेक के ऊपर, तो मैंने नेक्स्ट सिलेक्ट किया। और इसके बाद मुझे बैंक सिलेक्ट करना है, तो मैं बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक में जाके मैं एयरटेल पेमेंट बैंक डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आधार नंबर, ठीक है। तो फिर इसको अभी नीचे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है 9862363880, और मुझे करना है अभी बैलेंस चेक करने के लिए स्कैन। तो मैंने स्कैन बटन में क्लिक किया, देखिए फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए कह रहा है, तो मैंने अपना उंगली यहाँ पे डाला, और ये मैंने फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिक ले लिया। सेफ्टी नेट चेक करना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसमें अभी प्रिंट भी दे दूंगा, ठीक है। पेयरिंग के बाद हमें ये ट्रांजेक्शन करने के लिए किसी भी ऐप में जाना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये वाला फिंगरप्रिंट डिवाइस तो लगभग बहुत सारे पोर्टल पे काम कर जाता है, पर प्रिंटर जो है ब्लू प्रिंट का प्रिंटर है, ये सभी के साथ प्यार नहीं है। ये बिजनेस के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो बिजनेस से डायरेक्ट हो जाता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म में आपको रॉबिटी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रॉबिटी का इस्तेमाल करने के लिए आप प्ले स्टोर से रॉबिटी वाला ऐप उठा लीजिएगा, ये रॉबिटी का ऐप है। और जैसे रॉबिटी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, यहाँ पे आपको एक प्रिंटर सिलेक्ट करने का मौका देता है, जहाँ पे जाके आप सर्च करके ये वाला प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ प्रिंटर 2102-4064 है। इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा और टेस्ट देख करके देख लूँगा कि प्रिंट यहाँ से निकलता है कि नहीं निकलता है। निकलता है, इट्स इट इज़ वर्किंग, बस लिखा है बहुत सुंदर तरीके से।
तो आपको ये पहले सिलेक्ट इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। फिर जाना होगा आपको ट्रांजेक्शन में। दो चीज़ आप लोगों ने देख लिया, एक है कि किस तरह से आप डिवाइस को सिलेक्ट प्यार करेंगे, ठीक है, और फिर ब्लूटूथ को कैसे रेडी करेंगे वो भी आपने देख लिया। इसके बाद मैं अभी स्पाइस मनी आईडी में जाता हूँ और स्पाइस मनी से एक बार मैं ट्रांजेक्शन करने की प्रयास करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ AEPS ट्रांजेक्शन में, AEPS नकद निकासी में, ठीक है। और जाके मैं सबसे पहले यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं इजीली सामने एयरटेल पेमेंट बैंक ही सिलेक्ट कर लिया और आधार नंबर डाल दिया अपना, आधार नंबर मोबाइल नंबर भी डाल दिया। और फिर बोल रहे हैं अमाउंट डालने के लिए, चलिए 200 का एक अमाउंट मैं डाल देता हूँ। और फिर मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ से फिंगरप्रिंट डिवाइस। फिंगरप्रिंट सबसे नीचे की ठीक ऊपर देख सकते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट को कर लूँगा सिलेक्ट। और इसके बाद मैं मुझे नीचे 200 निकालने के लिए स्कैन करना है, 200 निकालने के लिए मुझे स्कैन करना है। और मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले उंगली रख देता हूँ क्योंकि ये बहुत फर्स्ट है। तो मैं स्कैन बटन में जैसे क्लिक किया और पुष्टि मैंने किया तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने फिंगर रखता हूँ। फिर से मैंने स्कैन करने के लिए मैंने उंगली नहीं रखा था, सेफ्टी नेट चेकिंग हो रहा है तो थोड़ा समय इसमें लगता है। पहली बार सेफ्टी नेट चेकिंग ये करता है, इसके बाद ही ये आगे बढ़ता है। सो सेफ्टी नेट चेकिंग मुझे लगता है हो चुका है, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। स्कैन बटन में क्लिक किया, पुष्टि किया इसका और मैं अपना उंगली रखा अभी, और देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट जो है वो कम्प्लीटली अभी वर्क कर रहा है स्पाइस मनी के साथ। और आपके सामने ये ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब मुझे अगर इसका प्रिंट लेना है, हालांकि ये ब्लू प्रिंट का ही है, पर स्पाइस के साथ ये वाला मॉड्यूल जो है, इस मॉड्यूल को इन लोगों ने मैपिंग नहीं किया है, उन लोगों के साथ कॉन्फिगर नहीं किया, इसलिए अभी ये नहीं चलता है, डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता है। तो आपको ये इस्तेमाल करना होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं स्क्रीनशॉट प्रिंट देऊंगा इसको। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर स्क्रीनशॉट में जाके मुझे शेयर बटन क्लिक करना है और रॉबिटी वाला ऐप को मुझे ले लेना है, ठीक है। ये है रॉबिटी, जैसे मैं रॉबिटी को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से देख सकते हैं आप ट्रांजेक्शन का स्लिप जो है वो निकाल चुके हैं एकदम से आराम से। आप स्क्रीनशॉट प्रिंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना क्लियरिटी के साथ आता है, अच्छा क्लियरिटी है यहाँ पे, ठीक है। स्पाइस मनी MATM के साथ मतलब पूरा आप पढ़ सकते हैं आराम से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, और यहाँ पे कितना रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ, कितना बचा है अभी, ये भी आप क्लियरली यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि CSC से डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है, CSC या एयरटेल में कोई दिक्कत नहीं होता है, और CSC में ये वाला फिंगरप्रिंट वर्क भी कर जाता है, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है CSC के लिए, ठीक है। बाकी सारे पोर्टल के लिए आपको रॉबिटी को इस्तेमाल करना है, रॉबिटी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये आराम से इस्तेमाल में आ जाएगा। तो फिंगरप्रिंट जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, DigiPay में इस्तेमाल होता है, PayNearby में होता है, RNFI में होता है, स्पाइस मनी में होता है, बिजनेक्स में ये दोनों एक साथ वर्क करता है, फिंगरप्रिंट एंड प्रिंटर। सो आप दोनों को ही यहाँ पे यूज कर पाओगे और किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ है, इसको मैं ऐसे स्क्रीनशॉट अगर ले लेता हूँ और इसको मैं पकड़ के फिर शेयर कर देता हूँ रॉबिटी में, तो ये रॉबिटी ऐप को सिलेक्ट करने से ये प्रिंट यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं अगर इसका क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी आप और भी बेहतर लेना चाहते हैं तो आप ब्लू पेपर में ले सकते हैं, या फिर इसका प्रिंट का ऑप्शन भी आप चेंज करके दे सकते हैं। मैं इसका प्रिंट का ऑप्शन कहाँ से चेंज होता है मैं दिखाता हूँ। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, ये टेस्ट प्रिंट का ऑप्शन है, टेस्ट प्रिंट है, और यहाँ पे प्रिंट करने का जो ऑप्शन है ये, यहाँ पे ऑप्शन है डिथेरिंग SF, आप इसको स्केच फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्केच फिल्टर किया और इसके बाद चलिए एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखिए कितना क्वालिटी अच्छा आ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी आप ट्रांजेक्शन तब कर सकते हैं। इसको मैं फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूँ, अब इसको स्केच फिल्टर में करता हूँ, आप कुछ भी चेंज करके देख सकते हैं। ब्लू पेपर होने से और भी बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट जो है वो निकालता है, यहाँ से आप देखिए सारा चीज़ जो है वो क्लियरली मैंशन है, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, सारा चीज़ें क्लियरली मैंशन है, और इसको आप कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो रॉबिटी का है, ये प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो नीचे ये फ्री वर्जन लिखा आता है अगर आप प्रीमियम कर लेते हो तो, और ये लिखा भी नहीं आएगा। तो मतलब ये प्रिंटर को आप कहीं पे भी मल्टी इस्तेमाल कर पाओगे, साथ में ये ब्लूटूथ डिवाइस को आप इस्तेमाल कर पाओगे, ये एक ब्लूटूथ फिंगरप्रिंट डिवाइस है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस तरह से ब्लू प्रिंट का ये वृद्धि वाला डिवाइस है, आप ट्रांजेक्शन स्पाइस मनी से भी कर सकते हो, और
नेक्स्ट बायोमेट्रिक जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ आप किस तरह से ट्रांजेक्शन कर पाओगे एंड प्रिंट भी कैसे कर सकते हो, ये दोनों का पूरा अपडेट आपको मुझे लगता है इस वीडियो में मिल गया है। एक क्लियरली मेंशन वाले बातें हैं, जहाँ जहाँ ये वर्क करेगा ब्लूटूथ वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे और इस प्रिंटर को किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इस्तेमाल कर पाओगे, जो डिवाइस का प्राइस आपको 6000 के अंदर में आपको मिल जाता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत कारगर साबित होगा और वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी सारा चीज़ें सीखे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।